सदर पुलिस थाने की जमीन पर विधायक द्वारा कब्जा करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आज एक होटल में काश्तकारों ने थाने के सामने जमीन पर अतिक्रमण के मामले में कलेक्टर ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री नसरू खान ने थाने की जमीन पर रामगढ़ विधायक साफिया खान का अतिक्रमण होना बताया था। इसके बाद अतिक्रमण को हटाने के बजाय पुलिस अगल बगल के काश्तकारों की जमीन से कब्जा लेकर थाने की जमीन को पूरा किया है। इसके बाद किसानों ने चेताया कि जिस जमीन पर पहले से कोर्ट में दुरुस्ती का दावा है उस पर अवैध रूप से थाने ने कब्जा किया है, जबकि असली कब्जा विधायक ने किया हुआ है। इस मामले को लेकर तुलेड़ा निवासी बाबूलाल लखपत राम चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। राजस्व रिकॉर्ड ने उनके नाम से शुरू से जमीन है, ना जमीन का बेचान किया है, ना कोई इकरारनामा है। इसके बावजूद उनके हक की कुछ जमीन पर बुधवार को सदर थाने ने कब्जा ले लिया, जबकि जमीन के दुरुस्तीकरण का दावा कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा, उनके हिस्से ही जमीन पहले ही कम है, जिसमें जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसमें नहीं लिया गया, उल्टा गरीब किसानों की जमीन पर थाने वालों ने कब्जा किया है, यह अवैध है। इस मामले की शिकायत पहले ही कलेक्टर से कर चुके हैं, अब राजस्व अधिकारियों ने दबाव में आकर काम किया है। गुरुवार को पत्रकारों के सामने किसानों ने अपनी बात रखी, यह कहा कि यदि उनकी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो किसान कलेक्टर के ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। यह जबरदस्ती जमीन पर कब्जा लिया गया है, जब विधायक से कब्जा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो दूसरे किसान की जमीन से कब्जा ले लिया है। करीब एक साल पहले आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रेय ने सदर थाने की जमीन का कब्जा लेने की कोशिश की थी। उस समय आईपीएस ने माना था कि विधायक की तरफ सदर थाने की जमीन दबी हुई है, उसे छुड़ाया जाएगा, लेकिन उनको प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया। उसके बाद दो दिन पूर्व मंत्री नसरू खान ने मामले को उठाया था। पूर्व मंत्री ने भी साफ कहा था कि सदर थाने की जमीन पर एमएलए का कब्जा है, उसके बाद पुलिस ने जमीन पर कब्जा लिया है। अब किसानों का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले में अभी उच्च अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। सड़क पर ले लिया, अब 4 बीघा 5 बीघा मेरी मौके पर है वहाँ पर, और वहाँ पे जो कर्नल साहब है उसी में भी कर लिया, और जो अवैध कब्जा कर रखा है जुबेर साहब ने क्षेत्र वहाँ में उनकी कुछ नहीं की। उसकी कितनी जमीन है जुबेर की? जुबेर की साहब वहाँ पे कम से कम 4-5 बीघा जमीन है, पर उन्होंने कम से कम आधी बीघा पे कब्जा कर रखा है। तो 7-8 बताता है, हाँ कब्जा उसने आठ बीघा पे कर रखा है कब्जा। 64 साल का तो मैं हो गया, मुझे सारा पता है भाई क्या क्या है, लेकिन उनकी वो एमएलए है, उनकी फौज है, उनकी सब सुन ली, और हमारी जो काश्तकार असली है पुराने और हमारी सुनी नहीं, और हमारी जमीन पर चला के फोटो सारे डॉक्यूमेंट। और मेन बात यह है सर, स्टे लग रहा है कब्जा किस कौन सी जमीन पे? उसी में है, बाउंड्री फोड़ती पास फुटती उसके ऊपर जेसीबी ने, जिस जमीन पर हमारा वो चल रहा है स्टेशन है उस पर कब्जा है, हमारे बोरे खाने और वो सब उन्होंने फोड़ दिया। थाने की जमीन किधर है? थाने के पास में उसपे किसका कब्जा है? उसपे तो सरसू बोरे के किसी ने, अगर जैसे ही जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो अभी से ही वो कैसे कब्जा ले लेंगे और आप अपनी कैसे बता रहे हो कोर्ट का कोई डिसीजन? हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कोर्ट का डिसीजन है। आप कह रहे हो कि मेरी जमीन, पटवारी ने रिपोर्ट दे दी ना सर हमारे पक्ष में, कहीं इनकी जमीन आठ है इधर की साइड में, तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी है, देख लो आप। अभी एक केस चल रहा है तो उनके पास में आया है एसीएम से, एसीएम साहब के पास में, ये आप देखो ना किसके नाम से है जमीन। सरकार तो मूलचंद सरकार का चला, लेकिन जमीन ये मूलचंद बाबूलाल लखपत राम सुखपाल सुरेश चंद।